नमस्कार किसान भाइयों, बाजार रिपोर्ट चैनल पर मैं हेमंत यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मैं हूं जयपुर मुहाना मंडी में और नारायण ट्रेडर्स पर हैं और आज होगी है 2 अगस्त 2023। तो जयपुर मुहाना मंडी में लहसुन की क्या पोजीशन है, ये सभी जानकारी वीडियो के माध्यम से होने वाली है। आज ये इस वीडियो में मैं अभी फ़िलहाल कोई आपको भाव नहीं बताने वाला, मैं एक वीडियो के माध्यम से जो मुकेश भाई ने लोगों को बताया था कि छोटी पैकिंग की शुरुआत अगर करते हैं तो उनको फ़ायदा कुछ मिल सकता है। तो कल एक वीडियो में मैंने डाला था हनुमानगढ़ का किसान जो छोटी पैकिंग लेके आए थे, आप देख सकते हैं ये लगभग 12 किलो के आसपास है ये छोटी पैकिंग, ये आप देख सकते हैं। और आज एक कोटा से किसान आए हुए हैं, उन्होंने जो पैकिंग की है वो 5 kg में की है, तो उनका भी मैं एक वीडियो दिखाता हूँ। जैसे ये देखिए आप, ये 5 kg में पैकिंग है, तो इससे जो उनका माल है ग्राहकी ठीक ठाक पकड़ में है। अभी सर अगर बात करें तो ये निकल रहा है 5 kg जो अभी पैकेट आया है, चश्मा लगा लो कोई दिक्कत नहीं, तो इसमें ग्राहकी कैसी है सर? यानी कोई नई चीज़ आई है देखने को तो थोड़ा सा अभी पता लगेगा सर मार्केट में कैसी डिमांड रहती है। डिमांड अच्छी है इसकी, डिमांड अच्छी बन रही है सर। तो ये कोटा से किसान आए हुए हैं और एक कट्टे में लगभग 50 kg माल के आसपास है और 10 कट्टियां हैं छोटी छोटी जो 5-5 kg की इन्होंने एक कट्टे में डाल रखी है। तो उन किसान भाई से भी पूरी जानकारी लेंगे, तो चलिए जान लेते हैं उनसे। भैया नाम क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद है। विनोद जी, हाँ। तो भैया कहाँ से हो? मैं खनवास तहसील से हूँ, जिला कोटा। कोटा से? हाँ ठीक है जी। तो सर किसान हो ना? हाँ किसान। अच्छा जी, तो सर ये जो आपने नया तरीका निकाला है यहाँ पे 5-5 kg का जो आपने, तो ये किसने आपको सलाह दी थी, मतलब किस हिसाब से? ये भाई साहब ने सलाह दी थी। अच्छा, मुकेश भाई जी ने? वीडियो देखा होगा आपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अच्छा जी, भाई छोटी पैकिंग में क्या है कि इसको अच्छा अपन की पकड़ थी कि मार्केटिंग भी है। बिल्कुल बिल्कुल, और दो पैसा अच्छा मिलेगा। अच्छा जी सर, तो कितना माल बना के लाए हो सर? ये 2.5 टन करीब है। 2.5 क्विंटल के आसपास? 2.5 टन के आसपास। अच्छा, 2.5 टन के आसपास, ठीक है जी सर। तो सर इसमें खर्चा क्या लगा सर, जो नॉर्मल जैसे आप उसमें तो खर्चा कम आता है? हाँ। एक कट्टे में जैसे आपने 18-20 रुपए का कट्टा लगा दिया, इसमें अदर खर्चा ये मान के चलो आप 13 रुपये अदर खर्चा। मतलब कि एक पैकिंग में या पूरे में सर? एक पैकिंग का पूरा मतलब कंप्लीट करके। ये जैसे 5 kg का है तो ये आपका पैकेट कितने का बना था सर? नहीं, पूरा बंडल अपने हाँ कंप्लीट करके, और जैसे जाली पूरा, जैसे जाली ये बड़ी वाली जाली कितने की है सर? जैसे ये वाली बड़ी जाली ये 18-20 रुपए की आप बता रहे हो? हाँ। और इसके अंदर 10 जालियां हैं सर और छोटी पैकिंग हाँ। की तो वो 6 रुपए के हिसाब से बता रहे हो? इसका खर्चा मतलब पूरी का तो हो गया 100 रुपए के लगभग। अच्छा, 100 रुपए खर्चा हुआ है सर, तो ये 100 रुपए का एक्स्ट्रा खर्चा इस पे पड़ा है। तो अगर मान लो 1000 रुपए ऊपर बिके पर क्विंटल के हिसाब से एक्स्ट्रा, जैसे मान लो अगर 13,000 बिक रहा है तो 14,000 बिके, जब आपका ये खर्चा भी निकलेगा और कुछ एक्स्ट्रा भी होगा। तो इसमें जो माल है, माल की क्वालिटी कैसी डाली हुई आपने? क्वालिटी तो अच्छी है। तो यहाँ पे जयपुर मंडी में लेके आए तो बिका है कुछ? हाँ बिका है ना। ग्राहकी देखने को मिली है सर इसमें? हाँ ठीक है, पकड़ ठीक है। तो जैसे ये वाला है, ये वाला सर ये 5 kg का है सर? हाँ 5 kg। तो ये सर पैकिंग आपने बनवाई अलग से डिमांड करके या कैसे, कहाँ से मिली सर? नहीं, ऑर्डर देके बनवाई थी। ऑर्डर देके? हाँ। तो सर कहाँ से ऑर्डर दिया था आपने? ये भामाशाह मंडी। भामाशाह मंडी में ही? तो उन्होंने ये तैयार करके दे दिए? इसमें थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगती है बस। बिल्कुल बिल्कुल। और ये हो सकता है 1 kg में भी कर सकते हैं कुछ? साउथ में मैंने देखा 1 kg की भी चल रही हैं।
तो पर उसमें खर्चा ज़्यादा बढ़ जाएगा सर। मान लो 1 kg का वही लगभग 3 रुपये के आसपास पड़ेगा पैकेट, 3 या 4 रुपये के आसपास। ये अगर 5 किलो का आपका 6 रुपये के आसपास पड़ रहा है, 6-7 रुपये, तो 4 रुपये मान लो आप, तो उसमें ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। यानी 4 रुपये इंटू एक पैकेट में कितनी आएंगी? तो ये इस पैकेट में 10 है, यानी 200 रुपये बैठ जाएगा सर उसमें। हाँ उसमें, क्योंकि 50 तो आएंगे ना कम से कम। तो इसका रिजल्ट तो सर देखने को मिलेगा। अभी मार्केट में जाएंगी, कैसी ग्राहकी बनती है। अभी तो जैसे कोई व्यापारी खरीद के लेके गया है जो दुकान के ऊपर ले जाएगा, वहाँ पे रिटेलर में कैसी इसकी ग्राहकी रहती है वो 1 या 2 दिन बाद ही पता लगेगी। हाँ इसकी डिमांड अब कैसी? हाँ डिमांड वही है, 1-2 दिन बाद ही पता लगेगी। हाँ। तो अगला लोट जब डिमांड आएगी तभी निकालेंगे सर। हाँ बाकी वैसे तैयार नहीं करोगे भैया जब कॉल करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, डिमांड के हिसाब से तभी आएगा। तो सर इससे आपको क्या लगता है, कुछ ग्राहकी बढ़ सकती है, डिमांड बन सकती है? हाँ जैसे आज के हिसाब से तो लग रहा है, क्योंकि आपको कुछ लगा होगा तभी आपने ये तैयार किया होगा ना सर। ऐसे तो नहीं, वो मैं भी देख रहा हूँ यहाँ पे, और मैं भी भाई माल तो क्या है कि मोटे तो और भी हैं। अच्छा जी, अच्छे वाले भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन फ़र्क केवल पैकिंग का आ रहा है। अच्छा जी सर, अभी जो कल की बात है, कल हनुमानगढ़ के किसान लेके आए थे जो 10-12 kg का उन्होंने पैकेट बनाया हुआ है वो सामने पीछे, तो किसान भाइयों को क्या कहना चाहोगे सर, माल कैसे बेचें, किस हिसाब से बेचें? माल तो ये मानो कि जैसे अपने अगर डिमांड के हिसाब से अगर देखे तो छोटी पैकिंग भी करवा लो। छोटी पैकिंग बनानी चाहिए उनको। हाँ क्योंकि उससे डिमांड अगर बनती है तो फ़ायदा हो भाई सकता। अपन को उसमें 2 पैसे अच्छे मिल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो छोटी पैकिंग करो। मेरे हिसाब से नॉर्थ में ये आपने ही किया है कि 5 kg में पैकेट बनाया है, या तो चाइनीज़ माल आ रहा है सर। हाँ बाकी तो मैंने लगभग 2 महीने हो गए यहाँ मंडी में कहीं किसी के पास भी नहीं देखा है। हाँ साउथ में 1 kg का 5 kg का चल रहा है सर। भाई साउथ वाले बना सकते हैं तो अपन क्यों नहीं? हाँ सीधी बात है। और सर चाइनीज जो माल अगर ला सकते हैं तो उसी में मान लो, क्योंकि अपनी जो माल की जो क्वांटिटी भी अच्छी है, डिमांड भी अच्छी है, और उसमें स्वाद भी अच्छा है। हाँ तो हम भी 5 किलो 1 किलो 2 किलो का बना सकते हैं। बना सकते हैं। चलो जी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।